मॉर्निंग बच्चों, हम क्या कर रहे थे? पीएच हमारे डेली लाइफ में क्या क्या काम आती है, इस बारे में पढ़ रहे थे। और आई थिंक हमने इसके बारे में दो पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट तो एसिड ड्रेन वाला एक्वाटिक लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करता है पीएच, एंड सेकंड इज डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प कैसे करता है एसिड। अब तीसरा पॉइंट है पीएच चेंजेस काज ऑफ टूथ स्पीकिंग। मतलब है, ये सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि जो पीएच चेंज होती है वो किस चीज का कारण बनती है, हमारे दांतों के खराब होने का कारण। अब आप बोलोगे पीएच और दांतों का क्या संबंध होता है? हमने तो सुना है कि मीठा खाने से हमारे दांत खराब होते हैं। आपने सही सुना है, आपके दांत मीठा खाने से खराब होते हैं। परंतु जो शुगर खाते हैं, शुगर मतलब मीठा बच्चों, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम की स्टीक परिभाषा दूं आपको मैं, अगर हमारे शरीर में एंजाइम्स ना प्रेजेंट हो, जो हम खाना खाते हैं वो पचने में या डाइजेस्ट होने में सालों साल लग जाएंगे। और अब क्या होता है, एक दिन में कुछ घंटों में वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं कि रिएक्शंस होती है, कोई उसको तेज कर देते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम्स क्या होती है बच्चों, जो हमारे माउथ के अंदर, माउथ शुगर लिख देता हूं मैं, जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कुछ ना कुछ शुगर बच जाती है, दांतों के बीच में फंस जाती है, जाड़ के बीच में फंस जाती है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जो शुगर का ऑक्सीडेशन कर एसिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं। अब ये एसिड होता है बच्चों, हमारे दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। किस चीज से बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट बोलू या फिर बोलू इनेमल। इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आवर बॉडी का, जो दांतों में प्रेजेंट होता है, वो इनेमल इससे बना होता है। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। तो एसिड में बच्चों इतनी ताकत होती है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट को घोल सकता है अपने अंदर, डिजोल्व कर सकता है। डिजोल्व का मतलब, कैल्शियम फॉस्फेट डिजोल्व होना मतलब इनेमल का डिजोल्व, इनेमल का डिजोल्व मतलब दांतों का खराब होना। समझ रहे हो बात कि पीएच चेंज का जो टूथ डिके, पीएच चेंज किस प्रकार है हमारे दांतों को खराब करने में हेल्प करती है। अब हम दांत खराब ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट। वो टूथपेस्ट क्यों करते हैं? क्यों? ये तो आपको पता चल गया कि एसिड से हमारे दांत खराब होते हैं। तो आपको बच्चों मैंने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई थी, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वॉटर। साल्ट प्लस वॉटर मतलब जो चीज, जहां कोई एसिडिक चीज है, जिस प्रकार हमने डाइजेशन में बताया था ओवर ईटिंग से हमारे एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए हम एंटी एसिड यूज करते हैं। एंटी एसिड में क्या होता है? बेस। बेस वो क्या करता है? एसिड के प्रभाव को कम करता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइज करने से क्या होता है, हमें ठीक हो जाते हैं, एसिडिटी हमारी खत्म हो जाती है। उसी प्रकार हमारे दांतों में अगर एसिड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो गया तो बेस का यूज करेंगे। बेस बोले तो बच्चों जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो, टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो एक बेसिक नेचर होती है, वो क्या करती है? सोल्ट बनाती है प्लस H2O वाटर बनाती है। ये प्रोसेस होता है बच्चों सारे का सारा। किस चीज का? इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, पीएच चेंजेस काज ऑफ टूथ डिके। इसका मेन पॉइंट यही होता है। अगले पॉइंट की बात करें, अगला और आखिरी मान लो चाहे, इसके बाद में छोटा सा पॉइंट है, वो आपको मैं ओरली बता दूंगा, बोल के बता दूंगा, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट बच्चों क्या कहता है? अगला पॉइंट कहने ना कहने का मतलब नहीं, आप हनी बी का एग्जांपल लो। हनी बी का मतलब क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी क्या करती है? जब हमारे शरीर पर काटती है तो हमें दर्द होता है, हमारे
मतलब हाथ पे काटते हैं, हाथ सूज जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो मधुमक्खी होती है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। वो एसिड हमारी बॉडी में अंदर चला जाता है और जो हमारे हाथ के अंदर, जहां अगर हाथ पे काटती है दर्द होता है तो वहां पर एसिड के कारण दर्द होता है। वो जब हाथ सूज जाता है या बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एसिड के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर हमें मधुमक्खी काट करती है तो क्या करते हैं? जो आपको याद होगा घर में हम सबसे पहले जाकर टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट यूज करते हैं मतलब आपको भी मैंने बताया कि टूथपेस्ट होता है बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो वो क्या करेगा? जो मधुमक्खी ने काटा है वहां पर एसिड है, अगर हम टूथपेस्ट ऊपर से लगाएंगे तो एसिड और बेस की रिएक्शन कैसी होती है? एसिड और बेस की रिएक्शन बच्चों आपको मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वो एसिड के प्रभाव को खत्म कर देती है, जिससे जिसके कारण हम मधुमक्खी के काटने पर टूथपेस्ट का यूज करते हैं। और आखिरी पॉइंट इसके बारे में बता देता हूं मैं, हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए लगभग सारे के सारे, तो आखिरी पॉइंट ये है बच्चों, हमारी मिट्टी, खेत की मिट्टी ले लो, घर की मिट्टी ले लो, उसके अंदर भी पीएच की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि हम मतलब पेस्टिसाइड डालते हैं, दवाइयां खाद बीज डालते रहते हैं, जिसके कारण क्या पता वो एसिडिक हो रही है या बेसिक हो रही है। समझ रहे हो इस बात को? भाई मिट्टी की एक पीएच रेंज होती है, उसमें क्या करती है वो बढ़िया फसल देती है। उस पीएच रेंज को मेंटेन रखनी पड़ती है, अगर वो कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, या फिर पीएच रेंज जो रेंज होती है उसी ऊपर चले जाती है तो फसल अच्छी नहीं होती। तो वहां पर भी एक पीएच का यूज होता है। तो बच्चों आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले 5 यूज बता दिए पीएच के मैंने, और ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दिए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। और आपको एक बार और फिर से पूछता हूं मैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं वो बच्चे प्लीज नीचे कमेंट करके मेरे को बताएं कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है। अगर ये खत्म होते ही मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा बच्चों, तो क्या करूंगा, हिंदी मीडियम में भी साथ पढ़ा दूंगा। तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और लॉकडाउन में वो इन वीडियोज का फायदा उठा सके और पढ़ सके। थैंक यू बच्चों।